हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। फ्रेंड्स, हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और उसी के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल पैरामीटर्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्बिटल पैरामीटर्स। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जो हमारी सैटेलाइट होती है वो अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करती है, मोशन करती है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अर्थ है और ये हमारे अर्थ का सेंटर है जिसको हमने ओ नाम दिया। ठीक है, ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया एम। और ये क्या है, हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसमें हमारी सैटेलाइट क्या करती है, अर्थ के अराउंड क्या करती है, मूवमेंट करती है। हमारा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल पैरामीटर्स कहते हैं, और इनका यूज करते हैं हम अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कितने पैरामीटर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा अपोजी पॉइंट। ये क्या होता है, द पॉइंट फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी अर्थ का सेंटर है और अर्थ से जो दूर वाला पॉइंट होगा अर्थ के सेंटर से, उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजी। दैट मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, अपोजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीजी। पीजी पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट क्लोजेस्ट टू द अर्थ। तो ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ के सेंटर से क्लोजेस्ट वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा थ्रीजी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, है हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है लाइन ऑफ एप्साइड। द लाइन ज्वाइनिंग द थ्रीजी एंड अपोजी थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। लाइन ऑफ एप्साइड क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ऑफ एप्साइड जो पीजी और अपोजी पॉइंट को ज्वाइंट करती है, वो कहां से होती हुई जाती है, सेंटर ऑफ अर्थ से होती हुई जाती है। वो क्या होती है, हमारी लाइन ऑफ एप्साइड। नेक्स्ट है असेंडिंग नोड। असेंडिंग नोड क्या होता है, द पॉइंट वेयर द ऑर्बिट क्रॉसेस द इक्वेटोरियल प्लेन गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये हमारी अर्थ है और ये क्या है, हमारा इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये जब इक्वेटोरियल प्लेन को क्रॉस करता है, कौन सी डायरेक्शन में, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जब इक्वेटोरियल प्लेन को कट करता है और कौन सी डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है। जब इस डायरेक्शन में कट करता है ये वाला पॉइंट, तो ये क्या होगा, हमारा असेंडिंग नोड होगा। असेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिसेंडिंग नोड। द पॉइंट वेयर द ऑर्बिट क्रॉसेस द इक्वेटोरियल प्लेन गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, दैट मीन्स जो इक्वेटोरियल प्लेन है ये कट करेगा, सॉरी, जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है ये किसको कट कर रहा है, इक्वेटोरियल प्लेन को, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। ये हमारा नॉर्थ है, इस तरफ हमारा साउथ होगा, तो नॉर्थ टू साउथ कट कर रहा है और जिस पॉइंट से होकर गुजरेगा वो पॉइंट क्या होगा, हमारा ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग नोड होगा। डिसेंडिंग नोड, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन ऑफ नोड्स। द लाइन ज्वाइनिंग द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोड्स थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। That means, ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये क्या है, हमारी लाइन ऑफ नोड। लाइन ऑफ नोड जो डिसेंडिंग नोड और असेंडिंग नोड को जोड़ रही है और कहां से होकर जा रही है, सेंटर ऑफ अर्थ से होकर जा रही है, वो क्या होगी, हमारी लाइन ऑफ नोड। ठीक है, फिर है आर्ग्यूमेंट ऑफ पीजी। द एंगल फ्रॉम द असेंडिंग नोड टू पीजी, एंगल फ्रॉम द असेंडिंग नोड टू पीजी, मतलब ये हमारी क्या है, असेंडिंग नोड है। दैट मीन्स यहां से लेकर ये वाला जो एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ पीजी। ये क्या है हमारा, ये हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ पीजी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये क्या है, हमारी एरेज होते हैं, एरेज होते हैं, इसको हमने वाई नाम दिया। तो जो एंगल फॉर्म होता है बिटवीन एरेज एंड असेंडिंग नोड,
इसको हम बोलते हैं राइट असेंशन ऑफ द असेंडिंग गुरु। क्या बोलते हैं? राइट असेंशन, राइट असेंशन, ठीक है, असेंशन ऑफ असेंडिंग गुरु, असेंडिंग गुरु। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस एंगल को फाई नाम दिया है, ठीक है। ये कुछ बेसिक ऑर्बिटल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए। फिर अब हम देख लेते हैं जो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है। हम जानते हैं कि जब इसेंट्रिसिटी हमारी 0 और 1 के बीच में होती है तो हमारा जो बनता है ऑर्बिट वो कैसा होता है, इलिप्टिकल फॉर्म में होता है। दैट मीन्स हमारा इलिप्स फॉर्म होता है, इलिप्स फॉर्म होता है, ठीक है। तो जब हमारी इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है तब क्या फॉर्म होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉर्म होता है, दैट इज सर्कल फॉर्म होता है, ठीक है। ये हमारी क्या है, अर्थ है ना, और ये हमारी सैटेलाइट है। हम जानते हैं कि जो अर्थ से क्लोजेस्ट वाला पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा फ्रीजी पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा अपोजिंग। अभी हमने देखा जो पॉइंट हमारा अर्थ के सेंटर से दूर होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, अपोजी होता है। यहां से यहां तक जो होगी ये क्या होगी, हमारी मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस, ठीक है। और ये वाली जो होगी वो क्या होगी, हमारी माइनर एक्सिस होगी, माइनर। हमने देखा था कि जो सेमी मेजर एक्सिस होती है, दैट मीन्स ये पूरी मेजर एक्सिस है, तो इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी, मेजर एक्सिस, ठीक है। और यहां से यहां तक हमारी सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। अब जो डिस्टेंस होता है बिटवीन फ्रीजी टू सेंटर ऑफ अर्थ, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आरपी, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से अपोजिट अर्थ का, उसको हम बोलते हैं आर, ठीक है। तो हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या निकलती है, हमने अभी देखा कि हमारा ये क्या फॉर्म हो रहा है, इलिप्स फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारी अर्थ है वो जो हमारी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड कैसे इलिप्टिकल फॉर्म में मोशन करती है, इलिप्स फॉर्म हो रहा है। दैट इज जो हमारी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू है वो 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, ठीक है। दैट मीन 0 और 1 के बीच में। तो अगर हम इस फॉर्म में देखें, आरपी और आरए के फॉर्म में देखें, तो हमारी इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये होगा E इज इक्वल टू आर ए माइनस आर पी डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर पी, आर ए प्लस आर पी, ठीक है। जहां पे E क्या है, E है हमारी इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द ऑर्बिट। आर ए क्या है, आर ए हमारा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द अपोजिट पॉइंट, टू द अपोजिट, ठीक है। और आर पी क्या है, आर पी हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द रीजन पॉइंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो हमारी इसेंट्रिसिटी है वो होती क्या है एक्चुअल में, इसेंट्रिसिटी इज अ मेजर ऑफ द सर्कुलरिटी ऑफ द ऑर्बिट। दैट मीन्स इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि हमारा जो ऑर्बिट बन रहा है जिसमें हमारी जो सैटेलाइट है वो मूवमेंट कर रही है अर्थ के अराउंड, वो कितना सर्कुलर है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी यही हमारी डिफाइन करती है, इट इज ई क्या डिफाइन करती है, ई इज इक्वल टू इट इज अ मेजर ऑफ
circularity of the orbital. तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के कुछ टॉपिक्स. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें. थैंक यू.